जिस तरह माँ बाप के लिए औलाद किसी नेमत से कम नहीं होती, इसी तरह नेक औरत भी मर्द के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। शादी के बाद शोहर की कुल कायनात उसकी बीवी बन जाती है, जो उसको हर दुख खुशी गम में कभी अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा उसका सहारा बनती है और साथ ही उसकी जिंदगी को बेहतरीन और खूबसूरत माहौल देती है, उसके आने वाले बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल बनाती है। कहा जाता है कि जब शोहर और बीवी में ये तीन आदतें पैदा होने लग जाएं, तो उनके घर में गुर्बत आने लगती है और वो अपनी जिंदगी में सारी खुशियां भी तबाह कर लेते हैं और वो दोबारा इन खुशियों को कभी हासिल नहीं कर सकती। पहली ये कि जब मियां बीवी दोनों ही अल्लाह के रिस्क की तोहीन करने लगते हैं, इसकी कदर नहीं करते और बार बार इसको बुरा कहकर बाहर फेंक देते हैं। दूसरा, वो एक दूसरे की खानदान की इज्जत नहीं करते और हर वक्त दूसरों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। तीसरा, दूसरों की औलाद में नुक्स निकालने में हर वक्त पेश पेश होते हैं और महफिल में दूसरों को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पुराने जमाने का जिक्र है, समंदर पार एक छोटे से मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक 15 साल बेटी थी जिसका नाम शहजादी अंबर था। शहजादी अंबर बेहद हसीन और खूबसूरत थी, यही वजह थी कि बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। हर रोज किसी न किसी मुल्क के शहजादे का रिश्ता आया करता था। चूंकि शहजादी अंबर बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह इससे बेहद मोहब्बत करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि शहजादी को एक ऐसा शोहर मिले जो खूबसूरत होने के साथ साथ रहमदिल और बहादुर भी हो। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने कासिद तमाम मुल्कों के शहजादों के पास ये पैगाम लेकर भिजवा दिए कि शहजादी अंबर से शादी के लिए बादशाह इनका एक इम्तिहान लेना चाहता है। जो शहजादा भी इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा, शहजादी अंबर को उसकी दुल्हन बना दिया जाएगा। इस पैगाम को पाते ही बहुत सारे शहजादे शहजादी अंबर के मुल्क जाने की तैयारी करने लगे। इनमें से हर एक शहजादे को उम्मीद थी कि वो बादशाह के इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाएगा। तमाम शहजादे अपने मुल्कों से निकलकर बंदरगाह पर जमा हो गए। वहां पर बादशाह का एक खूबसूरत जहाज खड़ा था। ये जहाज इसी मकसद के लिए था कि जो शहजादे शहजादी अंबर से शादी के ख्वाहिशमंद हों, इसमें बैठकर बादशाह के पास पहुंच जाए। जब शहजादे जहाज में सवार हो गए तो जहाज के बादबान खोल दिए गए और जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे जहाज पर इधर उधर घूमते हुए बातें करने लगे। वो सब के सब बेहद खूबसूरत और जहीन नजर आते थे। वो बातों के दौरान जोर जोर से कहके लगा भी रहे थे और इनके चेहरों पर पता चलता था कि वो बेहद मसरूर हैं। इन्हीं शहजादों में मुल्क खरासान का शहजादा बाबर भी था। वो इन शहजादों से अलग थलग अरशे पर बैठा हुआ समंदर की ऊंची नीची लहरों को देखते हुए सोच रहा था। दूसरे शहजादे इसकी तरफ देखते हुए जेरे लब मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में शहजादे बाबर के लिए हकारत थी। वो इसे मगरूर और बदमिजाज समझ रहे थे, क्योंकि वो इनके साथ घुल मिलकर बैठने की बजाय अहमकों की तरह मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गया था। इस पर एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी अंबर की इस अहमक शहजादे से शादी हो गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देखो तो कैसे बुत की तरह बैठा है। हालांकि ये बात एस्तगी से कही गई, मगर शहजादे बाबर ने इसे सुन लिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। लगातार तीन दिन के सफर तवील के बाद जहाज अंबर शहजादी के मुल्क पहुंच गया। तमाम शहजादे जहाज से उतरे
और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए शाही महल की तरफ चल दिए। शहजादा बाबर इनके पीछे सर झुकाए चल रहा था। अभी वो लोग थोड़े ही दूर गए थे कि उन्हें एक अमरूदों का बाग नजर आया। वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज देकर शहजादों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। शहजादे इसके पास आ गए। बूढ़े ने अपनी लरजराती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, ए नौजवानों, मैं एक बहुत बूढ़ा शख्स हूं, क्या करूं? मेहरबानी करके तुम मेरा एक काम करोगे? बड़े मियां, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मुल्क में ना हो। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसी बात तुम मेरे मुल्क में मेरे साथ करते तो मैं तुम्हारी जबान गदजी से खिंचवा देता। तुम शहजादों से अपना काम करवाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे नौकर हैं? बूढ़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अपने बाग से अमरूद तोड़कर मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मगर तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं अमरूदों के दरख्तों पर चढ़कर अमरूद तोड़ने से कासिर हूँ। शहजादे भी इंसान हुआ करते हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके? अपनी जबान बंद करो। एक शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, यह बूढ़ा तो सर ही चढ़ जा रहा है। ये कहकर इसी नौजवान ने बूढ़े को एक धक्का दिया कि वो जोरदार जमीन पर जा गिरा। तमाम शहजादों ने एक फलक शगाफ कहका लगाया, मगर इसी वक्त शहजादा बाबर तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा देकर उठाया। तमाम शहजादों को जैसे सांप सूंघ गया। फिर इनमें से एक शहजादा बोला, इस बूढ़े को सहारा देने वाला ये नौजवान मुझे शहजादा तो नहीं बड़ई की औलाद मालूम होता है। शहजादा बाबर ने कहा कि तुम लोगों को एक बूढ़े आदमी को सताते हुए शर्म आना चाहिए। क्या तुम लोगों के दिलों में अपने बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं? एक लंबे तड़ंगे शहजादे ने इसके पास आकर कहा, ये नसीहतें अपने पास रखो। इस बूढ़े को क्या हक पहुंचता है कि ये हमसे अमरूद तोड़वाने का बेहुदा मुतालबा करे? इसमें इस बेचारे बूढ़े का कोई भी कसूर नहीं है। वो तुम्हारी शक्लें देकर यह समझा था कि तुम लोग शरीफ नजर आते हो, इसकी बात मान लोगे। इसको क्या पता था कि तुम इतने मगरूर और बदतमीज हो गए? शहजादा बाबर ने जवाब दिया और बूढ़े के कपड़ों से गिर झड़ने लगा, जो जमीन पर गिरने की वजह से इसके कपड़ों पर लगी थी। इसकी बातें सुनकर तमाम शहजादे के चेहरे गम और गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गए। इसी लंबे तड़ंगे शहजादे ने अपने साथियों से कहा, इस बेवकूफ शहजादे ने एक बूढ़े गरीब की हमायत में हमारी सख्त बेइज्जती और तौहीन की है, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसकी बात सुनकर तमाम शहजादे ने इसकी ताईद की। एक शहजादा जो कि अपने आप को तलवार धनी समझता था, अपनी तलवार से निकालकर बोला, मैं इस अहमक से तुमसे बेइज्जती का बदला लूंगा। शहजादा बाबर ने बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और अपनी तलवार निकालकर उस नौजवान शहजादे के मुकाबले में डट गया। मगर वो नौजवान शहजादा शहजादा बाबर के सामने ज्यादा देर तक नहीं जम सका। शहजादा बाबर ने पैंतर बदल बदल कर तलवार के ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि मदे मुकाबल जल्द ही बेबस हो गया। शहजादा बाबर ने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि इस शहजादे की तलवार इसके हाथ से निकलकर फजाल में बुलंद हुई और इसकी नोक अमरूदों के दरख्त में लटके हुए एक बड़े अमरूद में पेवस्त हो गई और फिर तलवार इस अमरूद में लटकी इधर उधर झूलने लगी। तमाम शहजादे हैरत से ये माजरा देख रहे थे। शहजादा बाबर ने आगे बढ़कर तलवार की नोक उस शहजादे के सीने पर रख दी। अगर वो चाहता तो उसे हलाक भी कर सकता था। हारने वाला शहजादा शर्मिंदा होकर एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हो गया। अपने साथी शहजादे की शिकस्त को दूसरे शहजादों ने मजीद नाराज कर दिया। एक शहजादा फिर तलवार सुनकर आगे बढ़ा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह
एक के बाद एक शहजादा। बाबर ने तमाम शहजादों को शिकस्त दे दी। वो तमाम के तमाम बाग की घास पर बैठकर हंपने लगे। शहजादा बाबर फुर्तीला साबित हुआ। इसने तमाम शहजादों को जल्दी थका मार दिया था। सब शहजादे इससे सख्त नफरत करने लगे थे, मगर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। इनसे निपटकर शहजादा बाबर अमरूदों के दरख्त पर चढ़कर बूढ़े के लिए अमरूद तोड़ने लगा। जब बूढ़े का टोकरा भर गया तो शहजादा नीचे उतर आया और फिर वो अचानक हैरत ज़दा हो गया। बाग में एक कटिया बनी हुई थी। इस कटिया का दरवाजा खुला, इसमें से बादशाह, मलका और शहजादी बाहर निकले। तमाम शहजादे घबरा कर खड़े हो गए। बादशाह ने बाबर का शाना थपथपाते हुए कहा, शहजादे हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम अब ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे कि हमने ये चक्कर तुम सब लोगों को इम्तिहान लेने के लिए चलाया था। हमें अपनी शहजादी के लिए एक रहम दिल और बहादुर शोहर की तलाश थी। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे मियार पर पूरे उतरे हो। तुमने ना ही इन दूसरे शहजादों की तरह मगरूर हो और ना ही इनकी तरह बदतमीज हो। हम इस कटिया में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। तुमने जिस दलेरी और जुरतमंदी से इन तमाम निकम्मों शहजादों का मुकाबला किया था, इसने हमें बहुत मुतासिर किया। और इसी तरह शहजादा बाबर अपनी रहमदिली और जुरतमंदी की बिना पर दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी से शादी करने में कामयाब हो गया। सच कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में कभी भी अपनी जवानी और खूबसूरती में गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जवानी और खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाती है, मगर इंसान का इखलाक, उसका लोगों से रवैया सारी जिंदगी लोगों में जिंदा रहता है।